हेलो क्लास फिफ्थ, आपका कल मैंने साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कराया था। उसका जो हमारा नेम है वो है हमारा नेम हैबिटेट्स ऑफ लिविंग बींग्स, लिविंग बींग्स का आवासीय स्थल। तो हमने एक्वेटिक एनिमल्स हमने कंप्लीट पढ़ लिया था। जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। वो हमने कंप्लीट स्टडी कर लिया था। आई होप मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, तीन क्वेश्चंस दिए थे। आई होप आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा अपना होमवर्क, राइट और लर्न सब कुछ कंप्लीट कर लिया होगा, ठीक है। आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसको जो है कि आज हमारा टॉपिक है टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। ये रहा हमारा आज का आपका टॉपिक, टेरेस्ट्रियल एनिमल, ठीक है। आज मैं आपको आपका बुक वर्क कंप्लीट करा देती हूँ और आपका फोर्थ क्वेश्चन जो है वो आज आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस लेसन का मैंने आपका मंडे को टेस्ट भी लेना है, ठीक है। तो इस लेसन को आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करोगे, अपनी फेयर नोटबुक बहुत अच्छे से बनाओगे और कोई भी अपनी नोटबुक में कुछ और नहीं करेगा, सिर्फ साइंस का वर्क करेंगे, ठीक है। तो आज हम आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ओके। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, वेरियस टाइप ऑफ इंसेक्ट बिलोंग टू दिस क्लास। मैमल्स में कौन कौन से आते हैं? हमारा ह्यूमन बींग आता है, ठीक है। ह्यूमन बींग आते हैं, जितने मंकी आता है हमारा, वो सारे होते हैं हमारे मैमल्स, ठीक है। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो होते हैं हमारे, जो धरती पर रहते हैं, ठीक है। बर्ड्स कुछ होते हैं हमारे धरती पर रहते हैं, जैसे ऑस्ट्रिच है, ठीक है, धरती पर रहते हैं। रेप्टाइल्स हैं जैसे लिजर्ड, स्नेक है, जो धरती पर रहते हैं। एम्फीबियंस जैसे हमारा फ्रॉग है, वो भी धरती पर भी रहता है लेकिन वो भी रहता है, ठीक है। जैसे हमारा कीवी है, वो हमारा वहाँ पर रहता है, ठीक है, धरती पर। एम्फीबियंस और वेरियस टाइप के कुछ इंसेक्ट भी होते हैं जो हमारे धरती पर ही रहते हैं। इंसेक्ट तो बहुत सारे होते हैं जो धरती पर रहते हैं ना, जो इनकी यही वाले जो एनिमल्स होते हैं अपना फूड फ्रॉम द लैंड एंड मूव ऑन देयर फिट। वो अपने फूड जो है वो लैंड से, धरती से लेते हैं और मूव करते हैं विद देयर फिट, अपने पैरों के साथ मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम बात करें मैमल्स की, तो मैमल्स में क्या है हमारा, मैमल्स जो हमारा है, बॉडी ऑफ द मैमल्स, मैमल्स की जो बॉडी है वो कवर्ड होती है, कवर की गई होती है किससे, बाय फाइन। फाइन मतलब छोटे छोटे हेयर से, फाइन मतलब घने हेयर से। थोड़े फाइन भी होते हैं, पतले होते हैं, छोटे भी होते हैं, सबके अलग अलग बॉडी स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है। और जो इनके हेयर होते हैं वो किस में हेल्प सहायता करते हैं, देम इन एनवायरमेंटल अडेप्टेशन। अडेप्टेशन एनवायरमेंटल अडेप्टेशन को बोलते हैं, जो कि हमारे खुद के एटमॉस्फेयर में जो एडजस्टमेंट होती है उसके अंदर उसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। मैमल्स डू नॉट ले एग, जो मैमल्स हैं वो अपने जो एग हैं वो नहीं देते। दे बियर द चिल्ड्रन डायरेक्टली, वो सीधा ही बच्चे को पैदा करते हैं, वो कभी भी अंडे पहले नहीं देते। और मैमल फीड मिल्क टू देयर चिल्ड्रन बाय ब्रेस्ट, और जो मैमल्स होते हैं, फीड मतलब, फीड होता है खाना खिलाना, मिल्क मतलब फीड करते हैं, मिल्क को पिलाते हैं टू देयर चिल्ड्रन, अपने चिल्ड्रंस का, अपने बच्चे को बाय ब्रेस्ट, ब्रेस्ट से। ह्यूमन बींग एंड मंकी आल्सो बिलोंग टू दिस क्लास, जो ह्यूमन बींग हैं हम जैसे लोग हैं और जो मंकीज हैं वो सारे इस क्लास के अंदर बिलोंग होते हैं हमारे, ठीक है। नेक्स्ट है, लेकिन बैट, जो बैट होता है हमारा, चमगादड़ जो होता है वो एक ऐसा ओनली मैमल होता है, वो सिर्फ एक ऐसा इकलौता मैमल होता है जो कि हमारा एयर के अंदर फ्लाई कर सकता है, एयर के अंदर उड़ सकता है। उसके अलावा कोई मैमल हमारा एयर के अंदर नहीं उड़ सकता, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है हमारा क्या है, बर्ड्स हैव लाइट बॉडी, बर्ड्स की जो होती है हमारी लाइट बॉडी होती है, एंड देयर बोन्स आर होलो, जो उनकी हड्डियाँ होती है वो अंदर से खाली होती है, इसी वजह से हैंस इस वजह से जो बर्ड्स हैं वो कैन फ्लाई, उड़ सकते हैं ईजली, आसानी से, विद देयर विंग्स, अपने पंखों से वो आसानी से उड़ सकते हैं। इन एडिशन, लेकिन इसके अलावा, कीवी है हमारा, ओस्ट्रिच है, पिजन है, वो हमारे फ्लाइटलेस बर्ड होते हैं, जिनका जो होती है हमारे विंग्स जो हैं वो
डिवेलप नहीं हो रही होती हैं अच्छे से, और उनकी बॉडी जो है वो हल्की नहीं होती, वो बहुत भारी होते हैं। और क्या होता है उनके अंदर डिवेल्प जो विंग्स हैं वो लेस डिवेल्प होते हैं, अच्छी तरह से डिवेल्प नहीं होते और हैवी होती है उनकी बॉडी, इसीलिए वो क्या होते हैं फ्लाइटलेस। फ्लाइटलेस मतलब जो उड़ नहीं सकते, वो वाले वर्ड वो बन जाते हैं। और वो किसके अंदर आते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के अंदर। जो एनिमल्स धरती पे रहते हैं वो उन एनिमल की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा, अगर हम बात करें स्केल्स, जो बॉडी के ऊपर स्केल होते हैं, जैसे हमारा स्नेक है, ये रहा हमारा स्नेक, ठीक है, ये रहा हमारा स्नेक, ठीक है। स्नेक की बॉडी पे क्या है, ये ऐसे ऐसे जो स्केल्स होते हैं ना, ये वाले जो हमारे स्केल होते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है, स्नेक के। और जो लिजर्ड में है, लिजर्ड में भी है होते हैं हमारे, कभी धरती पे देखना, ऐसे उसके ऊपर जो होते हैं हमारे स्केल्स होते हैं, ठीक है, जो क्या हेल्प करते हैं, हेल्प देम, इनकी हेल्प करते हैं इन क्रीपिंग ऑन द लैंड। क्रीपिंग क्या करते हैं ये, क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, क्रीपिंग का मतलब होता है रेंगना। ये धरती पर रेंग सकते हैं, किस वजह से रेंग सकते हैं, क्योंकि इनकी बॉडी पर जो है वो स्केल्स होते हैं, लिजर्ड की भी और स्नेक की भी, वो इसी वजह से रेंग सकते हैं। और क्लाइंबिंग ऑन द वॉल्स, क्लाइंबिंग वॉल्स, वॉल्स पर चढ़ सकते हैं, जैसे आपको पता है स्नेक भी वॉल पर चढ़ सकता है और लिजर्ड तो वॉल पर ही होती है मेनली, आपने देखी भी होगी अपने घर में, ठीक है। लिजर्ड और जो स्नेक होते हैं वो क्लाइंबिंग क्या होती है हमारा, चढ़ना, ठीक है, वॉल्स के ऊपर जो हमारा चढ़ जाते हैं ये, ठीक है। अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस क्या है, इन द लिविंग, अच्छा ओके, एम्फीबियंस और डिजर्ट वाला आपका थोड़ा सा टॉपिक रहता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा पढ़ा है, ये वन दो लाइनें हैं। इन द लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड जो हमारा ये वाला वर्ल्ड है, पूरा संसार है, देर आर सम एनिमल्स, उसमें कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं आल्सो विच लिव ऑन द लैंड, जो हमारे धरती पर भी रहते हैं और वाटर पर भी रहते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, जो एनिमल्स वाटर के अंदर रहते हैं उन्हें बोलते हैं एक्वेटिक एनिमल, लेकिन जो एनिमल धरती पर रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। लेकिन कुछ एनिमल ऐसे भी तो होते हैं जो धरती और वाटर के अंदर दोनों के अंदर रहते हैं, ठीक है। कौन सा एनिमल आता है इसके अंदर, जो हम आसपास अपने देखते भी हैं, फ्रॉग, मेंढक को हम अपने आसपास देखते हैं। मेंढक क्या होता है हमारा, ये रहा मेंढक, धरती पे भी है और पानी में भी है, हम इसको पानी में भी देखते हैं और धरती पे भी देखते हैं, ठीक है ना। तो क्या है हमारा, फ्रॉग एक जो है एम्फीबियन है, जो कि हमारा धरती पे भी रहते हैं और जो हमारा वाटर के अंदर भी रहता है। तो एम्फीबियंस वो एनिमल होते हैं जो हमारे धरती पे भी रहते हैं और वाटर के अंदर भी रहते हैं। एग्जांपल क्रोकोडाइल भी होता है, फ्रॉग होता है, कार्ब होता है और टोड होता है। जो टोड और फ्रॉग, ये मेंढक के दो टाइप होते हैं, ठीक है। मेंढक जैसे ही दिखता है टोड भी, लेकिन वो मेंढक नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट हम एम्फीबियंस का थोड़ा सा टॉपिक रहता है हमारा, और एनिमल लिविंग इन डिजर्ट, जो डिजर्ट के जो एनिमल रहते हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ना है। डिजर्ट क्या होता है, रेगिस्तान। रेगिस्तान के अंदर कौन से एनिमल रहता है, सबसे जो उसका रेगिस्तान का, जिसको क्या कहते हैं हम, शीप ऑफ द डिजर्ट, वो कौन सा होता है, कैमल होता है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट हम आज के लिए आपका बुक वर्क करेंगे, ठीक है, और क्या करेंगे हम, बुक वर्क के साथ साथ क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। ओके, आपका यहाँ पे हमारा, तो ये रहा आपका बुक वर्क, ठीक है, ये रहा आपका बुक वर्क। फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन, पेट एनिमल्स लीव इन द हाउस, ऑन द स्ट्रीट्स और इन द फॉरेस्ट। तो फर्स्ट का आएगा आपका ए, जो पेट एनिमल्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं, इन द हाउस में, ठीक है। एनिमल्स लिविंग इन द वाटर, वाटर के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं वो उनको क्या कहते हैं, पहले भी बताया था, जो वाटर के अंदर रहते हैं उनको एक्वेटिक, जो लैंड के ऊपर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल, और जो हमारे लैंड और वाटर दोनों के अंदर रहते हैं उनको एम्फीबियंस, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर आएगा हमारा बी। नेक्स्ट है हमारा, फ्रॉग इज एन एक्वेटिक मैमल या एम्फीबियन। जो फ्रॉग है वो एम्फीबियंस होता है, क्यों होता है, क्योंकि वो वाटर और लैंड में दोनों में रहता है, और जो वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं
उनको बोलते हैं एम्फीबियन। कैमल्स लीव, कैमल्स कहाँ रहते हैं, मैंने अभी बोला था कैमल्स जो है हमारा डिजर्ट में रहता है, ठीक है, इन द वाटर, वाटर के अंदर नहीं रहता, इन द डिजर्ट। इसका आंसर आएगा बी, इन द डिजर्ट। द एक्वेट्स ब्रीथ थ्रो गिल्स, नोज या लंग्स। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो ब्रीथ, सांस कैसे लेते हैं, थ्रो किसके द्वारा, गिल्स के द्वारा। ये मैंने आपको कल क्वेश्चन भी दिया था, राइट देयर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो, क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डू एक्वेट्स लीव्स एंड राइट देयर फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, ये क्वेश्चन आंसर उसमें से भी आएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैच द कॉलम्स और फिलिंग द ब्लैंक्स हम करेंगे कल, ठीक है। आज के लिए आपका एक क्वेश्चन भी है, जो क्वेश्चन है आपका 4, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हमारा कौन सा है, टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन से होते हैं हमारे, जो हमारे लैंड के ऊपर रहते हैं, उनके करेक्टरिस्टिक्स हमने बताने हैं, ठीक है। लैंड के ऊपर जो एनिमल्स रहते हैं उनके करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं हमने, ठीक है। कौन कौन से एनिमल हैं जो हमारे लैंड के ऊपर रहते हैं उसके करेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारा मैमल्स रहते हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके, सबसे पहले आप इसमें लिखोगे इन मैमल, मैमल जो है, मैमल यहाँ से लिखोगे आप इसका आंसर, यहाँ पे दीज एनिमल्स की जगह लिखोगे मैमल्स, ठीक है। मैमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम द लैंड एंड मूव ऑन विद देयर फिट, ठीक है। और उसके बाद आगे नो इसमें से नहीं लिखोगे आप, यहाँ से लिखोगे द बॉडी ऑफ द मैमल इज कवर्ड बाय फाइन हेयर एंड दैट दिस हेयर हेल्प इन द इन्वायरमेंटल एडेप्टेशन, यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट आप लिखोगे बैट इसका, बर्ड का, ठीक है, बर्ड का लिखोगे आप इन बर्ड्स, बर्ड्स हैव लाइट बॉडी एंड देयर बोन्स आर होलो, हैंस द बर्ड कैन फ्लाई इजली विद देयर विंग्स। इन एडिशन कीवी, ऑस्ट्रिक्स, पिजन, यहाँ पे लिखोगे सम, ये मत लिखना आप इतना बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे लिखोगे सम बर्ड्स आर फ्लाइटलेस बर्ड ड्यू टू देयर हैवी बॉडी आर डेवलप्ड लेस डेवलप्ड विंग्स। और थर्ड लिखोगे द स्केल ऑन द बॉडी ऑफ स्नेक एंड द लिजर्ड हेल्प देम इन क्रीपिंग ऑन द लैंड एंड क्लाइंबिंग ऑन द वॉल। ये हो गए आपके तीनों पार्ट इस क्वेश्चन के, ठीक है। बुक वर्क में आपका रहेगा मैच द कॉलम्स और फिलिंग द ब्लैंक्स। इसके अलावा आपके दो क्वेश्चन और रहते हैं। जितना आज का वर्क था आपका वो कंप्लीट अपनी फेयर नोटबुक में लिखोगे और लर्न भी करोगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टाइम हम नेक्स्ट करेंगे।